एक मैं चाहूंगी प्रतीक, पॉपुलर प्रतीक डेफिनेटली का फूटा भांडा, क्यों 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 बताइए प्रतीक, जैसे आपने वुड पैकर बुलाया, मुझे उसकी ये हैबिट बड़ी अनोइंग लगती है और उसे लगता है कि वो बहुत सुलझा हुआ है या वो कभी बन जाता है सुलझा हुआ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट वो एक्चुअली सुलझा हुआ नहीं है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा मेरे हिसाब से। सर इन्होंने तो बहुत कुछ मेरे को बोला है परसों सुबह, हाँ, फिर उसके बाद ना हमने सॉर्ट भी कर लिया, ओके भी कर लिया क्योंकि आज वीकेंड का वार था इसलिए मे भी क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अरे तुम भी इम्पोर्टेंट नहीं हो यार, प्रॉब्लम है, बैठो फिर जाके, इतने कटकट कुटकुट वाले हो ना। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक मिनट प्रतीक, थोड़ा आप कंट्रोल में रखिए अपने आप को, आप बताइए रिधिमा क्या बोलना चाहती थी आप। नहीं मैं ये बोलना चाहती थी कि ऑन द कॉन्ट्ररी जो आप बोलते हो कि कभी वो पर्सनल अटैक नहीं करते, इनफैक्ट यही एक इंसान है जो पर्सनल अटैक करता है, बी इट मी। उस दिन वो किसी माँ बाप पे नहीं जाते, ये मेरा क्यों वरुण इसके वरुण पर गया था दिव्या के साथ, सर बॉयफ्रेंड सर, बिकॉज़ उसने मेरे को पहले एसोल बोला तो मैं उसको गाली नहीं दे रहा था, एंड शी इज कांस्टेंटली टॉकिंग अबाउट बॉयफ्रेंड, दैट्स नॉट पर्सनल, ही डज गो पर्सनल, आई नेवर सेड, उसने मेरे को पहले बहन की गाली दी, टाइम बिफोर उसने मेरे को पहले बहन की गाली दी, ओके आपको पता नहीं तो आप बोलो मत, ठीक है आप बोल दिया, आप बैठ जाओ, मैं क्यों, आपको पता नहीं तो बैठ जाओ, आप अभी मत, हेलो आपको पता भी है कि मैटर क्या क्या बोल रहे हो, ऑल राइट शमिता। तो ये समझती है, सलामत रहे दोस्ताना आप दोनों का। She thinks that ये जो मास्क पहनी हुई है, हम लोग कुछ देख नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है, बट वी कैन सी थ्रू इट एंड शी नीड्स टू गेट दैट इन टू हर हेड। इज दिस निशांत, निशांत क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो ये सोचते हैं कि हर फाइट में उनको बीच में बोलना ज़रूरी है। तो गलतफहमी क्या हुआ, गलतफहमी क्या हुई? नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, गलतफहमी है कि ही डजंट नीड टू, ही बिलीव्स इवन इफ इट्स नॉट अबाउट हिम, ही नीड्स टू कीप हिज स्टैंड। व्हेन समटाइम्स जब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही है दो लोगों के बीच, यू कम इन द मिडिल टू मेक द सिचुएशन बेटर नॉट वर्स। And he is not, he doesn't understand the difference there. He has a point, और वो रख सकते हैं क्योंकि ये इनका भी घर है। जैसे मैंने उनको अंदर भी बोला था कुछ टाइम पहले कि आप अच्छे इंसान हो, आपको समझ नहीं कब बात करनी चाहिए, कब बाद में बात करनी चाहिए। या I am not talking to Prateek. I am not talking to you. Do not take my time. Anyway, so the point is that no one's your time. I'm taking my own. He's come back to his number day one self. By the way, it's my time. Don't take my time. Yeah. ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि एक करेक्ट टाइम होता है, करेक्ट प्लेस होता है। कभी कभार व्हेन इट्स अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, डोंट कम इन द मिडिल एंड कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दैट इज नॉट द टाइम, इट्स नॉट अबाउट हिम। निशान नोटेड, इग्नोर्ड, नॉट नोटेड, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, यस सर, डिलीटेड, डिलीटेड। चलिए ठीक है, हो गया, इतना बोल चुकी है और इतनी आसानी से आपने डिलीट कर लिया। अच्छा चलिए नेहा, आई कीप इट शॉर्ट, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, इमोशनल नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ। दिव्या को ये कहा है, ठीक है, ओके, आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, बट सिर्फ एक ही बात है कि वर्ड्स हैव अ पावर, जैसे आपने भी मुझे रियलाइज करवाया। तो जब आप किसी भी की भी बुरे वक्त पे आके वर्ड्स देते हो, वो इंस्टिगेशन होते हैं। आई होप कि आप उसको रिकग्नाइज करो और जो आप एक्चुअली हो वो बाहर आओ। ठीक है, Noted या ignored निशान? Noted. Okay. With an answer. Okay. When my turn comes. प्रतीक, तुम पे विश्वास किया है, लेकिन हर बार सही होने की जरूरत नहीं होती है। सही गलत जो है उसमें बहुत थिन लाइन होता है। आप हमेशा सही नहीं होते हो, कभी कभी आप गलत भी होते हो। अरे हो गया ना तुम्हारे तीन, तो दोबारा तो बनूंगा ना। आपके लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, किसने देखा ही नहीं आपको। यस
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ना ये सब चीजों के लिए, मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है इन सब चीजों की, तो आपको मेरे से बात करने की जरूरत नहीं थी आज, कल मेरे से आके बात करने की जरूरत नहीं थी आपको, वीकेंड के बाद से पहले नॉमिनेशन से पहले अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, सो प्लीज डोंट फेक, ओके जाना देखना क्या चल रहा, चला गया आगे क्या, वाओ सर लुक एट द लैंग्वेज, जाना देखना आगे क्या चल रहा, मैं तेरे बाप की नौकरी नहीं हूं, तू मेरे जूते की नोक है, तेरे को कोई जानता नहीं है, बहुत अच्छी बातें बोल रहे हो, जितना देख रहे हो ना उसमें इतनी अच्छी बातें बोल रहे हो कि बहुत अच्छा दिख रहे हो आप, अच्छा एक मिनट मुझे इरिटेट, शांति, ऑल राइट गाबा जी, यस सर आइए, यस सर ऑफ कोर्स, किसी के साथ घूमना, किसी के साथ रहना, हंसी मजाक करना, गालियां हवा में देना और लोगों का हंसना, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को गालियां देंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों के बारे में भद्दी भद्दी बातें करेंगे, तो इनकी गलतफहमी ये है कि उनको लगता है कि ये बहुत कूल है दूसरों के बारे में भद्दी बात, ओछी बात, लीचड़ बात करके, दैट्स व्हाई हाउ ओके या ऑलराइट, एंड सर अपनी भी मैं बोलना चाहूँगा कि आई थॉट कि बीइंग नाइस, बीइंग गुड, बीइंग फ्रेंडली विद एवरीबडी, टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी मीन्स अ लॉट समथिंग टू दिस शो, गिविंग एंटरटेनमेंट, लाफिंग अराउंड विद एवरीबडी, मेकिंग एवरीबडी लाफ मीन्स समथिंग टू दिस शो, बट यू सेड टू वेक मी अप, आई विल वेक इट अप, आई विल वेक अप नाउ, ठीक है उर्फी अरे सर थोड़ी फोड़ दूंगी, इनको लगता है कि ये दिव्या मुझसे बेटर मतलब इनके साथ देंगी, दिव्या बहुत स्ट्रांग है, ज़्यादा इनका साथ दे देंगी, भाई कंपटीशन में टास्क ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, और इनको लगता है कि मेरी तरफ से इनको नहीं मिला, जबकि मुझे इनकी तरफ से कोई साथ नहीं मिला था, बदतमीज, और इनको लगता है ये सबको डिक्टेट कर सकती हैं, जब देखो कुछ ना कुछ इनको टिप्पणी देनी है सब में, कुछ भी करने जाओ दिव्या बताएंगी ऐसे करना है वैसे नहीं करना है, इरिटेट हो चुकी हूँ मैं उस चीज़ से, फोड़ भी रही हूँ उसमें भी बता, अरे फोड़ना आता है बलून हमको बचपन से फोड़ रहे दिव्या इनकी गलत फहमी है कि ये अपने हिसाब से सबको मोल्ड कर सकती हैं और यहाँ पे ये बहुत शांतिपूर्वक माहौल बनाना चाहती हैं, इनकी गलत फहमी है कि मैं इनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, हाँ 3 दिन पहले मानती थी, अब नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी, और वो उनको पता है, But how is that my गलत फहमी? और इनकी गलत फहमी है, और इनकी गलत फहमी है कि ये अपने गुस्से में सब कुछ जायज़ है पर दूसरे का गुस्सा जायज़ नहीं है और उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, तो इनकी गलत फहमियाँ हैं, नहीं नहीं इनकी गलत फहमी है कि इनके इमोशंस सबके लिए सही हैं और अगर मैं ये चीज़ें इमोट करूं तो मैं पागल हूं, मुझे रोना नहीं आता है बस यही है, वरना इमोशंस सबके सही हैं इस गेम में, yes! तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो एंड मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चलिए जाइए फोड़िए okay. ना मैं कामचोर हूँ, ना मैं इडियट हूँ, ना मैं किड हूँ, एंड वट एवर एल्स यू सेड एक बार बात करके भी देखो, सेम टू यू मिलिंद, जो सुन एक मिनट सॉरी आई एम या मैंने कहा बात करके तेरा देखो, काम नहीं है अपना काम कर, बात करके देखो ऐसे अच्छे से बात करके देखो, एंड मिले हो गए औरत बड़े है, जो तुमने प्री जजमेंट्स एक दिन में जो तुमने मेरे बाप के बारे में सुना, मेरी लाइफ के बारे में सुना, वो तुमने सारे घर में फैलाया, मेरे से आके तुमसे बात नहीं हुई, मेरे बारे में तुम कह रहे हो बिकॉज तुमने गलत मुझे अब्यूज किया, तुमने भी नहीं बात की, एग्जैक्टली तुमने कहा, अरे मूस कंप्लीट योर थॉट्स योर सेंटेंसेस दैट्स योर प्रॉब्लम, आप आधी बात कहती हैं आधी बात नहीं कहती, ही स्पीकिंग फॉर मी, वो कहते हैं वो क्यों, आप अपने लिए बात कीजिए ना, ओके जो मेरे को लगता है कि ये दो लोग मेरे इन्होंने प्री जजमेंट्स ली, आपने अक्षरा से सुना मैंने क्या कहा, उसके बाद आपने मेरे को गालियां दी, वट एवर मैं गालियां कहती भी नहीं बिकॉज आप मेरे को लगता है आपने गालियां दी, तो मैंने कब दी, घर वाले बैठे हैं, मैंने कब दी, आई हैव that much dignity, you say all of these words you that said, I was you, you said talk about sex jab main karti hu main teacher ho jati hu guys, mere ko bolne nahi de rahe batao, come boli, on boli boli be mature no boliye boliye, pehle din aapne meri life ka sabse private part ke bare mein pucha and then you victim blame me, wo sabko pata hai yahan pe kisi ko nahi pata, jab aap punjab ke sri ban rahi na sabse aas pas ja ke yahan pe kisi ko nahi pata, main khud bataungi apne time pe, kyunki mujhe pata tha wo, मैं खुद बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में, हर घर वाले का सबको पता है ना, आपका मुझे पता था जी, सो समझे, मैं खुद बताऊंगी अपने टाइम पे जब मेरा मन, मैंने आपको ब्लेम नहीं किया, मैंने आपसे पूछा, और सर पहले दिन ही शी वॉज अब्यूजिंग अ फादर, अपने फादर को गालियां दे रही थी,
जब लड़ाई हुई तो उन्होंने मुझसे उन्होंने कहा कि तुम कौन होती हो बात करने वाली, इनको कहा, मेरे कनेक्शन को कहा, तो मैंने किसी भी मैंने कोई कमेंट पास नहीं किया, मैंने इनको इनकी इंट्रो दी कि वो पहली पहली शोल्डर थी टू क्राई अपॉन, बोल सकती हूं कोई और नहीं बोल सकता है, पहले शोल्डर थी टू क्राई अपॉन जब अपने फादर को गले लेती थी। मिलिन, मैं आपसे ये एक पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि ये अपने पिता के बारे में जो भी कह रही थी, जी सर, व्हाई डिड यू हैव टू जंप इन इमीडिएटली? सर, मैं मेरे कनेक्शन की बात कर रही थी, मेरे कनेक्शन से बात कर रही थी, एंड शी वाज राइट। आप बता के नहीं कह सकते कि आपने बर्तन गंदे धोए हैं, कल से मत धोना। आप कैप्टन नहीं हो सर, मतलब ये कैप्टन नहीं है, मुझे इस बात का बुरा लगा। देन आई वाज हैविंग प्रॉब्लम्स, मिलन वहां पे थे भी, आपको ये नहीं पता मैंने क्या कहा है। ओके, ऑलराइट, चलिए। He's throwing stuff at me. नहीं, मैंने आराम से ही किया। सब मुझे उससे में आपने ऐसे किया, रिएक्ट उसके लिए एक और। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आपसे मैंने जाना, भोजपुरी को अंडरएस्टिमेट करते हुए ये लोग बड़े ही पावरफुल और मैंने बहुत कभी नहीं किया, यू नो, अपने आप को बहुत बड़ा। प्लीज दिव्या, अक्षरा को बोलने दीजिए, इट इज हर टाइम टू स्पीक। नो, वन सेकंड सर, नो नो, आई एम नॉट गिविंग यू दैट वन सेकंड, लेट अस स्पीक, देन यू विल स्पीक। डोमिनेट करती है ये अक्सर सबको, ये अक्सर सबको इसी तरीके से डोमिनेट करती है, ये नहीं चलेगा सर। नहीं, आपने मुझे मुझे फिनिश करने दीजिए सर, जिस तरीके से सबको मौका दिया, नहीं तो मैं चुपचाप वहां जाके बैठ जाऊंगी। अक्षरा जी बोलिए बोलिए। आपसे जो जानने को मिला, भोजपुरी के अस्तर को ये लोग डिफाइन करते हैं, भोजपुरी का अस्तर अपने आप में बहुत बड़ा है, ये मैं कह सकती हूँ बीइंग अ भोजपुरी एक्ट्रेस। ओके, तो ये अपने आप को सुपरस्टार कहने वाले लोग, सो कॉल्ड लोग, ये बताएं ना कि भोजपुरी किस स्तर पे है, और हम इनसे बात करेंगे तो हम नीचे हो जाएंगे। हम खुद फक्र से कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, यू नो, भोजपुरी को अपने आप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप जैसे लोग नहीं। आप मुझे ना बताएं, हमको पता है हमारा संस्कार, हमारी तमीज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या है, तो मुझे इनसे जानने की जरूरत नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। हमारे देश में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, बंगाली इंडस्ट्री, साउथ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सारे जो इंडस्ट्रीज हैं हम सब इज्जत करते हैं, एंड आपके फैंस हैं, आपने काम भी किया है, एंड वी हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिगार्ड आपके लिए, आपके सिनेमा के लिए। आज इंडिपेंडेंस डे है तो मौका भी है, दस्तूर भी है कि ये इंडियन सिनेमा है, ये हिंदी सिनेमा नहीं है, भोजपुरी सिनेमा नहीं है, मराठी सिनेमा नहीं है, बंगाली सिनेमा नहीं है, तमिल या तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ सिनेमा नहीं है, ये हिंदुस्तानी सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है। दैट्स ऑल आई हैव टू से टू यू अक्षरा। यस दिव्या, थैंक यू सर। आप, मैं अपना दावा दे सकती हूँ, आप ये एक हफ्ते की क्लिप में कहीं से भी देखिए, मैंने अक्षरा के बारे में और उसकी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कभी गलत नहीं कहा है। मैं जो सोचती हूँ मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मैं अक्षरा की रिस्पेक्ट करती हूँ। अक्षरा का एक बार बीच में, आई थिंक फर्स्ट डे या सेकंड डे को ही इनका एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, हम दोनों बाहर अकेले बैठे थे, और मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में मैंने अक्षरा को कहा था, अक्षरा रोना नहीं, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री तुझे देख रहा है, रोना नहीं। Why do you segregate Bhojpuri industry? No. You, she said it. No, आपने जब industry, आपने जब अक्षरा से कहा कि पूरी इंडस्ट्री आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री देख रही है, तो why just them? She represents that community is what I meant. In fact, मैं उनके काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनसे पूछती रहती हूँ। Okay, चलो, let's see about that. Moving on, प्रतीक। कहीं से भी खोल के देख ले अक्षरा, कहीं से। Sir, I'm gonna start from here. चुप, अब मेरा टाइम है। चुप, चुप, चुप। सर, पहले तो मैं दिव्या का फोड़ूंगा कि बस गुब्बारा नहीं है तो तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि नेगेटिव और डर्टी गेम खेल के उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि आप मेरे से दोस्ती कर लोगे, एंड यू नो वील बी ऑन एक सेकंड वील बी ऑन न्यूट्रल ग्राउंड्स, एंड आई विल बी एबल टू कम एंड टॉक टू यू, या हम पूरे शो में अब अच्छे से बिता लेंगे टाइम, तो वो आपकी गलतफहमी है और आपकी गलतफहमी आपको सब देख रहे हैं। आपने बोला मेरे से बहुत बात करने की कोशिश करी है पिछले कुछ टाइम में, बट मेरा मन नहीं करता। मैंने आपको बार बार बोला कि मेरे से, मतलब आई हैव ट्राइड टू अवॉइड यू, इट्स सिंपल। तो फिर लोगों को अपना अच्छा साइड बताने मैं, के लिए ये मत किसी कहो किसी को कि दिव्या ने ये किया तो ठीक है ना, क्या किया, इसी फाइन, दिव्या भी अच्छा कर रही है, दिव्या भी, हाँ, तो फिर मेरे बारे में मत बात करो, फिर मुझे लगा कि तुम अच्छा समझ रहे हो। इंसानियत सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पे हो, आप मौजूद हो, तो मेरी इंसानियत आपके लिए भी है, क्योंकि आप इंसान हो। हाँ, ठीक है, आपने बहुत ये चाहती है कि आप उनसे बात ना करें, आप चाहते हो कि इनसे बात ना करें, तो ये मामला रिजोल्व हो चुका है ना। ठीक है सर, ठीक है, नहीं नहीं, आपकी गलत फहमी है। अच्छा, आगे बढ़िए आप। इनको लगता है कि मैं बायस्ड हूं,
अपने दोस्तों की तरफ, मैं गलत का साथ देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इनको टाइम एंड अगेन समझाया है कि मैं बिल्कुल सही बात पे ही डिसीजन लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों के लिए भी बोल देता हूँ कभी जब वो गलत होते हैं। इनफैक्ट वो मुझसे नाराज भी हो गए थे जब मैंने गलत बात के पे स्टैंड लिया। उन्होंने मेरे को बोला कि तू टीम का साथ देना चाहिए तेरे को ये वो, बट मैंने बोला कि जहाँ पे जो बात गलत है आई एम गोना स्टैंड अप फॉर इट, चाहे वो मेरे दोस्त हूँ या कोई और। सो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू बिकॉज़ आपने वहाँ पे बोला कि आप हमेशा सही नहीं होते, जो भी है। तो मैं आपको इनको लगता है कि ये हमेशा सही है और ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे को यहाँ पे खड़े होकर बहुत चिल्लम चिल्ली करी और मेरे को बोला कि तुम औरत को कैसे चिल्ला सकते हो, औरत को कैसे, लेकिन ये खुद मेरे ऊपर चिल्लाई। इन्होंने मेरे को बोला कि तुम औरत पे नहीं चिल्ला सकते, लेकिन ये खुद चिल्ला रही थी मेरे ऊपर। ऊपर से फिर ये राकेश भाई साहब आ गए और ये मेरे को बोलते कि तुम एक सेकेंड, ये राकेश भाई साहब और ये करण भाई साहब आ गए यहाँ पे और ये मेरे को बोलते हैं कि तुम गलत बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने इनको बिकॉज ये औरत है कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं आदमी हूँ और मैंने उसी टोन में इनसे बात करी जिस टोन में ये मुझसे बात करी थी, बहुत ही इज्जत से। तो इन्होंने मेरे को बोला कि तुम गलत हो, इज्जत से, बिल्कुल क्लियर बोला है कि मैंने पर्सनल एक बार भी बात नहीं बोली। आपने मेरे को बोला कि आप मेरे को जानते नहीं, मैं कौन हूँ, ये वो जो भी है। सो ये पर्सनल रिमार्क्स है। इनको समिता को लगता है कि ये जो सो कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी फेमिनिज्म में बिलीव करती है, लेकिन जब ये ऐसी कोई बात होती है तो ये बोल देती है औरत से ऐसे नहीं। औरत का क्या मतलब है, औरत और आदमी एक है ना। तो अगर आप मेरे से चला के बात कर सकते हो तो मैं भी आपसे चला के बात कर सकता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। औरत और आदमी एक है, ये प्लीज नो, वेट, ये जो है ना औरत को कमजोर दिखा के या औरत पे चिल्लाना नहीं, या औरत करके दूसरे इंसान को गलत प्रूव करने की कोशिश मत करो, ठीक है। स्टैंड लो कि मैं औरत हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम इक्वल टू यू, ओके। एग्जैक्टली, नाउ आई विल नॉट बिकॉज मैं सही हूँ, है ना। इनकी गलतफहमी ये है कि नॉमिनेशन से पहले और वीकेंड के बाद से पहले ये बात करके सॉर्ट करके चीजें ये शायद गुड बुक्स में आ जाएंगी किसी, और उसके बाद ये ऐसे करेंगी, उसके बाद ये बोलेंगी एक सेकंड, चुप, मेरी बारी है, चुप हो जाओ, मेरी बारी है, चुप हो जाओ। मैं करण सर से, मैं सर से बात कर रहा हूँ। अरे बात क्यों हो रही है? तो अरे एक मिनट करने दीना, हेलो करने दीना, प्रतीक, I am talking to you. Me? Yes. Okay. मैं यहाँ भौंक रहा हूँ पागलों की तरह, you can't listen to me, that's a bloody fucking problem. आवाज नहीं आ रही सर। अरे आवाज नहीं आ रही, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, सब सुन लिया, सबने सुन लिया था। इनकी आवाज बहुत लाउड थी, मैं आपकी आवाज।